गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, वह है फोर्स ऑफ बायंसी इनसाइड लिक्विड। इसके पहले आपको मैं एक्सपेरिमेंट के माध्यम से इसको मैं दिखाना चाहूंगा आपको। इसमें है कि क्यों भारी ऑब्जेक्ट जैसे लोहा कभी पानी में डूब भी जाता है, कभी नहीं भी डूबता है। यदि वह सुई है, चम्मच है, लोहा का बना हुआ, तो वह पानी में आसानी से डूब जाता है। लेकिन वही स्टीमर है, बड़े बड़े जहाजे हैं, कढ़ाई है, वह पानी के ऊपर तैरता है। चलिए आज इसी सवाल का हम लोग जवाब खोजने का प्रयास करेंगे कि इतना भारी स्टीमर, इतना भारी लोहे का बना हुआ जहाज पानी के ऊपर आराम से तैरता है, जबकि एक छोटी सी कील, लोहे का बना हुआ छोटी सी कील, छोटी सी सुई पानी में बहुत आराम से डूब जाती है, वह बिल्कुल पानी के ऊपर नहीं तैरती। यही चीज खोजा था सबसे पहले, इस बात को हमें बताया था आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया है कि जब किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में इमर्ज किया जाता है, उसको डुबाया जाता है, तो उसके जो वेट होते हैं वह कम हो जाते हैं। और यह वेट कितना कम होता है? जितना उसके द्वारा लिक्विड को हटाया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए, मैंने इस बीकर में कुछ पानी लिया है। यदि इस वजन को हम इसमें डुबा देते हैं तो क्या होगा? जो पानी डिस्प्लेस करेगा कुछ, और इसके वजन में कुछ कमी हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले मेरे हाथ में क्या है, मैं इससे आपको पहले परिचय करा। मेरे हाथ में है ये स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है? क्या है ये? स्प्रिंग बैलेंस। और एक धागे से जो लटक रहा है, यह है 100 ग्राम का वाट। इसमें आपको 100 ग्राम लिखा हुआ, यह 100 ग्राम का वाट है, बटखारा जिसको बोलते हैं, ठीक है? 100 ग्राम का वाट है। और जब हमको इसमें धागे के सहायता से जब इसे लटकाए हैं, तो ये देखिएगा कि इसका जो नीडल है 100 पर आकर के टिका हुआ है। जब इसका हम वजन हटा लेंगे तो ये 0 पर चला जाएगा, ठीक है? अब जब हम वजन को डालेंगे तो यह नीचे आकर के 100 के ऊपर आ जाएगा। इसका वजन कितना है अभी? 100 ग्राम। कितना ग्राम है? 100 ग्राम। लेकिन जब हम वाटर में सबमर्ज करेंगे इसको, तो क्या होगा? इसका वेट जो है घट जाएगा। तो चलिए मैं इसको वाटर में डुबा करके चेक करता हूं कि यह घटता है वजन इसका कि नहीं घटता है। तो इसको कंफर्म करने के लिए मैं इसको बुलाता हूं। आइए आप, क्या नाम है आपका? उत्कर्ष। तो हमारे साथ है उत्कर्ष, उत्कर्ष कांधवे। तो हमारे साथ उत्कर्ष कांधवे है। उत्कर्ष कांधवे जो है इस बड़े से लीकर को पकड़ लेंगे। पकड़ लिया आपने। अब जो है जो भी इसमें वाटर है, जब हम इसको इसमें डुबाएंगे, यह वाटर इससे डिस्प्लेस होकर के बाहर आ जाएगा। चलिए मैं इसमें डुबा रहा हूं। ये देखिए, जैसे ही मैंने डुबाया तो क्या हुआ? इसमें कुछ पानी बाहर हो गया। और वजन देखिए कितना घटा है। आप उत्कर्ष से देखिए तो इसका वजन अब 100 ग्राम दिख रहा है। ऊपर कितना दिख रहा है? 80 दिख रहा है, 80 दिख रहा है अब। यानी कि इसका वजन हो गया 80 ग्राम। पानी के अंदर इसका वजन 80 ग्राम हो गया, यानी कि 20 ग्राम वजन इसका घट गया। 20 ग्राम वजन क्या हुआ इसका? घट गया। इसका मतलब है कि पानी के अंदर वेट इसका 20 ग्राम घट गया। तो जितना वजन घटा वह पानी इसके अंदर, इस लिक्विड में, इसमें आ गया। यानी 20 ग्राम वाटर इसका डिस्प्लेस हो गया, 20 ग्राम वाटर इसमें डिस्प्लेस हो गया,
इसको इस पानी का वजन हम तौलेंगे तो कितना ग्राम आएगा? 20 ग्राम। तो जितना वजन में इसकी कमी आई उतना ही पानी इसने डिस्प्लेस किया, जितना पानी इसने डिस्प्लेस किया उतना ही वजन इसमें घट गया। ठीक है, तो जब किसी ठोस को किसी लिक्विड के अंदर पूर्णतः या अंशतः डुबाई जाती है तो उसके भार में एक प्रत्यक्ष कमी होती है, वह कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यही है आर्किमिडीज का सिद्धांत। When a solid submerged into liquid, either partially or fully, they lost their weight, and the loss in weight of that object is equal to how much liquid displaced by the object. Okay, children, समझ गए आप? Yes, sir. क्या समझा आपने? कि जब किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को हम किसी लिक्विड के अंदर डुबाते हैं तो उसके भार में एक कमी हो जाती है, उसके भार में कमी हो जाती है। वह कमी कितनी होती है? जितना उसके द्वारा लिक्विड हटाया जाता है। ठीक है, यही कारण है कि जब सुई को हम पानी में डुबाते हैं तो क्या होता है, सुई अपने से ज्यादा वजन का पानी नहीं हटा पाता है, क्योंकि उसका जो डिजाइन है सीधा सपट्टा है, वह सीधा सीधा डिजाइन है उसका, इसलिए वह पानी में डूब जाता है। समझ गया कान्हू जी? लेकिन कढ़ाई का फॉर्म कैसा होता है, कढ़ाई कैसा बना हुआ होता है? कढ़ाई बना हुआ होता है कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। पानी में जब हम उसको डुबाते हैं, इस कढ़ाई को जब हम पानी में डुबाते हैं तो क्या होता है, यह अपने से ज्यादा वजन का पानी हटा देता है, क्योंकि इसका डिजाइन कुछ इस ढंग का होता है। यह इसका इस कढ़ाई का वजन यदि 1 किलोग्राम है और इसने वजन हटा दिया 2 किलोग्राम वाटर को इसने डिस्प्लेस कर दिया, तो इसका वजन क्या हो गया, 2 किलोग्राम घट गया, यानी कि अब इसका रेस्ट वजन 2-1=1, यानी -1 किलोग्राम हो गया, यानी इसका वजन निगेटिव में हो गया और यह आराम से पानी के ऊपर तैरने लगता है। वही कारण है कि बड़ी बड़ी जो स्टीमर्स होते हैं, बड़ी बड़ी जो जहाजे होती है, उसका जो डिजाइन होता है, इस कारण से वह अपने से ज्यादा पानी को, अपने वजन से ज्यादा पानी को हटा देता है, इसलिए वह पानी के ऊपर आराम से तैरने लगता है। लेकिन एक सुई अपने से ज्यादा वजन के पानी को नहीं हटा पाता है, उसका डिजाइन उस ढंग का नहीं होता है, इसलिए वह आराम से पानी के अंदर डूब जाता है। यही है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित कुछ तथ्य जो कि आपने अभी देखा। बिल्कुल क्लियर है बच्चों? Yes.